दोस्तों इस वक्त ये जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो कतर का है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कतर में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच हो रहे हैं और वहां पर दुनिया के कोने कोने से फुटबॉल के मैच देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दोस्तों जब फुटबॉल का मैच खत्म हो जाता है तो ये शायकीन हजरात कतर के कल्चर को जानने के लिए और ये देखने के लिए कि कतर में लोग किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं और किस तरह अपने खुदा की इबादत करते हैं, ये सब देखने के लिए वे हर जगह पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों देखिए इस लड़की को, जब ये विदेशी लड़की इस कतर की मस्जिद में पहुंची तो एक मुस्लिम लेडी ने उसको पहले हिजाब पहनाया और उसको बताया कि मस्जिद में जाने के लिए हमें पर्दे में रहना जरूरी है, अगर हमारा बदन खुला हुआ है तो इस तरह मस्जिद में नहीं जा सकते क्योंकि इससे अल्लाह नाराज होता है और ये हमारे लिए भी सही नहीं है, हो सकता है कि हम किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए। तो बहुत से लोगों को कतर के लोगों का काम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और कई लोगों ने कतर की मस्जिदों में पहुँच कर इस्लाम कबूल किया और कहा कि बेशक मुसलमान जो कर रहे हैं वो सही है और यही इंसानियत का तकाजा है। दोस्तों आप तमाम भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।